वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र 2 हफ्तों के लिए फिजाई ऑपरेशन बंद करने का फैसला कर लिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम के मामले खसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन मोहित यूसुफ ने कहा है कि हुकूमत ने वजीर आजम की मुशावरत से कोरोना वायरस के पेश नज़र फिजाई ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि यह फैसला हुकूमत के लिए मुश्किल था, लेकिन सूरत हाल देखते हुए किया गया है और ये आरजी फैसला है। उन्होंने बताया कि PIA के कुछ परवाजें पाकिस्तान से बाहर हैं, इनको वापस आने की इजाज़त होगी। बैन अल-अक़वामी फिजाई ऑपरेशन मौतली का इतलाक आज रात 8 बजे से होगा। मोहित यूसुफ का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ इजलास में लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस चीन से नहीं बल्कि ईरान से आया है। या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।